मेरा नाम उर्वशी पोद्दार है, मैं यहाँ पे संयोजिका के पद से हूँ। ये स्टॉल जो लगाए जा रहे हैं मेला, इसका क्या उद्देश्य है और क्यों लगवा रहे हैं? इसका ये उद्देश्य है कि हम सब मिल करके अगर साथ मिल के व्यापार करेंगे तो हम एक अच्छी ऊंचाई पे ले जा सकते हैं अपने व्यापार को। कोविड को देखते हुए जो हमें दिक्कतें आ रही हैं व्यापार करने में, उसमें ये एक मदद मिलेगी कि हम सब अगर एक दूसरे की मदद करते हुए, सहयोग करते हुए अपने व्यापार को करेंगे तो हम अच्छी तरक्की पे ले जा सकते हैं अपने। कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं इसका स्टॉल लगाने? आपके यहाँ पे बनारस के साइबर सभी जो हैं स्टॉल के रहेंगे लोग, और आपके राजस्थान से मिलेंगे आपको। राजस्थानी हमारा मेन है क्योंकि वहाँ के जो सांस्कृतिक प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि वुडन आइटम्स हैं, पूजा की सामग्री है, लड्डू गोपाल को लेकर के है, या फिर हमारा बनारसी साड़ी है, बनारस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। ये सब व्यापार से निवृत्त होकर के हम इस कार्य ये हमारा होगा वंशीवट हॉल में, जो कि मैमूरगंज गैलेक्सी हॉस्पिटल के वहाँ पे है। सुबह 11 बजे से स्टार्ट होगा जो रात्रि 9 बजे तक चलेगा। उधर से अपना नाम और परिचय। राकेश अग्रवाल, अध्यक्ष श्री श्याम परिवार वाराणसी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्या उद्देश्य? श्री श्याम परिवार वाराणसी शारदीय नवरात्र में नवरात्र मेले का आयोजन 17 अक्टूबर रविवार को वंशीवट बैंकेट हॉल में करने जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री दीपक कुमार बजाज, डायरेक्टर सेठ हमार जयपुरिया स्कूल के हैं। कार्यक्रम में विभिन्न तरह के स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें राजस्थान से के अलावा अन्य राज्यों से जुड़ी प्रसिद्ध चीज़ें के स्टॉल लगेंगे। कौन से मुख्य आकर्षण? इसमें वुडन आइटम, हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल, बच्चों के खाने पीने के स्टॉल, ये सब लगाए जाएंगे। मुख्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री दीपक कुमार बजाज सेठ हमार जयपुरिया स्कूल के डायरेक्टर हैं। ये कार्यक्रम करने क्या उद्देश्य है, क्या संदेश? उद्देश्य अपने व्यापार को एक नई ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। कोविड की वजह से जो हमें दिक्कतें आ रही हैं व्यापार करने में, तो हम अगर एक दूसरे का सहयोग करके चलेंगे तो हम अपने व्यापार को एक नई तरक्की दे सकते हैं। मेला लगाने का उद्देश्य? मेला लगाने का उद्देश्य ये है कि हम सबको मिलकर व्यापार करना चाहिए, जिससे हम लोगों का उद्देश्य है कि बनारस के साथ अपनी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को पकड़ते हुए, जिसको हम प्राचीन और पश्चिमी सभ्यता की तरफ भागते जा रहे हैं, तो वापस उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़ना, तो श्याम परिवार मेले का मुख्य उद्देश्य है। राजस्थानी सामानों के साथ में राष्ट्र की सुंदर आकर्षक सजावटी सामानों के साथ में खाद्य सामग्री, अचार, पापड़ और बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए गेम्स आए हुए लोग अलग अलग तरह के स्टॉल लगाएंगे, जिसमें राजस्थानी लोग के अलावा विभिन्न विभिन्न सामान के स्टॉल रहेंगे। कार्यक्रम कब होगा और कितने बजे से शुरू होगा? वंशीवट बैंकेट हॉल महमूदगंज में 17 अक्टूबर रविवार को सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगा, जो रात्रि 9 बजे तक चलेगा।